एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सुमन। आज बात करने वाली हैं जेस्टेशनल सैक के बारे में। इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या होता है। और जनरली अल्ट्रासाउंड पे लिखा रहता है नो जेस्टेशनल सैक या फिर स्मॉल जेस्टेशनल सैक या फिर इम्पैथी जेस्टेशनल सैक लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसी के बारे में आज डिटेल्स में बात करेंगे। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आप घर पे किट से टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद आप पहली बार जब डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाते हैं तो वो कंफर्मेशन के लिए आपकी कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाते हैं। तो जिसमें अगर जेस्टेशनल सैक करके लिखा रहता है कुछ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी आपने कन्फर्म है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और प्रेगनेंसी अपनी सही जगह पर है कि नहीं। आप कहीं प्रेगनेंसी फ्लोपिंग ट्यूब में तो नहीं है, कहीं प्रेगनेंसी ओवरी में तो नहीं ग्रोथ करी, कहीं प्रेगनेंसी कहीं यूट्रस के बाहर तो नहीं ग्रोथ करी, ये डेंजर कंडीशन हो जाता है। इसीलिए आपको चेक करके देखना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी अपने सही जगह पे ग्रोथ कर रही है कि नहीं। सबसे पहले अगर कुछ नज़र आता है तो वो जेस्टेशनल सैक नज़र आता है, इससे हमें पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही जगह पर ग्रोथ कर रही है और ये प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है। जनरली यूट्रस के अंदर जो रहता है उसमें इसको ऊपर वाले साइड पे होना चाहिए, यानी कि फंडल साइड पे होना चाहिए। तो ये सही जगह पे ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इसका साइज़ कितना बड़ा है, इससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। पाँचवें हफ्ते में जनरली ये दिखना स्टार्ट हो जाता है और इसकी अगर साइज़ की बात करें तो ये गोलाकार या फिर अंडाकार होता है। इसका जो साइज़ होता है ये गोल होगा या तो ये गोल होगा या तो फिर अंडाकार होगा। इससे अगर इसकी ये इसके अलावा अगर कि दूसरे साइज़ में है तो बिल्कुल मतलब वो अब नॉर्मल कंडीशन हो गया। ये तो या तो ये गोलाकार होगा या फिर अंडाकार होगा। इसके अंदर जो है एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है और इसका जो इंक्रीजिंग प्रोसेस होता है वो 1 mm पर डे के हिसाब से ये ग्रोथ करता है, इंक्रीज करता है। और अगर ये 20 से 25 मिलीमीटर का हो गया है और उसके बाद इसमें योग सैक या फिर फीटर फोल नज़र नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है, तो फिर ज़्यादा चांस रहता है कि आपका मिस्ड एबॉर्शन हो सकता है या फिर ब्लैंडेड वूम हो सकता है। ये अगर 20 से 25 mm का हो गया, इतना बड़ा साइज़ का हो जाने के बाद इसमें फीटर फोल या फिर योग सैक नज़र आना चाहिए, जो जनरल कंडीशन होता है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है, उस केस में आप तुरंत आपको फिर डॉक्टर आपको फिर दोबारा 10 दिन या 15 दिन के बाद फिर आपको चेक करने के लिए बुलाएंगे। एक सप्ताह के अंदर भी बुला सकते हैं, वो चेक करेंगे, अगर उनको नहीं नज़र आ रहा है तो फिर वो ब्लैंडेड वूम का केस हो सकता है।